गुड मॉर्निंग। तो कल रात इतना अच्छा नींद आया कि आज सुबह कैसे हो गया कुछ पता ही नहीं चला। उस दिन ऐसा होता है ना कि अपनी नींद से ही खुद को एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। हर रोज बीच में कभी कभार नींद मतलब हम जाग जाते हैं और किसी भी कारण से हम जाग जाते हैं, पर कल रात में बहुत अच्छा हुआ, एक सेटिस्फेक्शन मिला अलग से ही। और अभी 6 बज चुके हैं। आर्यन का टिफिन भी आज रेडी है क्योंकि आज कुकिंग वाला कुछ भी टिफिन नहीं दिया आर्यन को। और अभी एग्जाम के टाइम में आर्यन का मोबाइल छीन लिया गया, मतलब एग्जाम के टाइम में उसको मोबाइल उसके पास नहीं रहता, हम रख देते क्योंकि वो पढ़ाई करने के बाद रात तक वो मोबाइल लेता रहता है। तो अभी जाके उससे जगाना है। 6 बज चुके हैं और आर्यन का टिफिन भी रेडी है। ये है आर्यन का सैंडविच, इसमें फाफड़ा के साथ चटनी, क्योंकि यहाँ पे फाफड़ा का एक शॉप है वहाँ से हम लाए थे। ये पैकेट में है और ये मतलब रॉ चटनी है, तो ये चटनी और ये केक उस दिन जो लाई थी वो केक। इनमें से थोड़ा सा आर्यन कल रात को तोड़ के खाया था, तो मैंने बोला ये मत खाओ, ये लास्ट पीस है, कल टिफिन में हो जाएगा। रात को है ना रागेश्वरी, रात को है ना रागेश्वरी, रागेश्वरी रात को है ना प्लीज ना कोई ना। माइलो इतना गुस्सा किस बात की? हाँ यहाँ पे गोला काम कर रही है और यहाँ पे उनको देखो इतना गुस्सा। ओ पहले दादा भाई को बेस्ट ऑफ लक तो बोल दो। दादा भाई बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तो एग्जाम देना और मेरा नाम रोशन करना कि मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तू मेरा बड़ा भाई है, मेरा नाम रोशन करना। कपिला यहाँ पे काम कर रही है और इससे कपिला को डिस्टर्ब करना है, मैंने मना किया तो इसलिए स्टार्ट हो गया गुस्सा 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 गुस्सा। मम्मा को पेन हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना। अरे यहाँ पे तो बिल्कुल मिट्टी मिट्टी हो गया, मतलब मिट्टी मिट्टी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे पानी से धो दिया तो ये सॉक्स पहना हुआ है, तो ये मुश्किल है, सॉक्स तो गीला हो जाता, ये थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी तो हो ही जाएगा। टाटा टाटा, अच्छे से एग्जाम देना, एकदम दिमाग से शांत करके। ऑस्कर आजकल इडली बड़े में भी इंटरेस्ट रखता है, जल्दी से खा लो, बिस्किट की जगह ये इडली बड़े खा लेगा। सुबह सुबह ना साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इतना हेवी फील नहीं होता, पर बड़े में होता है ना, इडली में नहीं होता है। बड़ा मतलब फ्राइड होता है इसलिए, अदरवाइज एक अगर पराठा खा लो ना तो लंच में आपका भूख नहीं लगता, पर बड़ा या इडली अगर एक एक खा लो तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। पर ये भी राइस का है, पेट फुल होना चाहिए, पर पेट फुल होता है पर लॉन्ग टाइम के लिए आपका डाइजेशन नहीं होगा ऐसा नहीं होता, पर पराठे में ऐसा हो जाता है, हम लोग का तो होता है। ये सारी चीजें आटे का चीज में हम लोग का प्रॉब्लम है, आटे मैदे का, ग्लूटेन एलर्जी है सर, मैं तो हूँ। सबसे अच्छा होता है पोहा खाओ। पराठे एक ऐसा चीज है कि बचपन से खा रहे हैं ना तो वो नजर चला ही जाता है। हफ्ते में एक दिन पराठे खाओ, हफ्ते में एक दिन, ठीक है। इसके बाद हम पियेंगे चाय। पहले मैं तुमको बोला था कि चाय पी लेते हैं, ये कल का ब्रेकफास्ट है। एक्चुअली कल ब्रेकफास्ट मंगवा के फिर हम लोग बाहर चले गए थे, काम था तो वो खाना नहीं हुआ, तो आज सुबह सुबह यही गर्म करके खा रहे हैं। यहाँ का वेदर है कभी खुशी कभी गम, कभी हॉट कभी कोल्ड। अभी भी सुबह जब मैं उठी तो एक हुडी और उसके ऊपर एक बेडशीट दोनों चढ़ा के बैठी हुई थी। तो अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया और इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है, अभी लगता है कि मैं अपने बाल बांध लूँ और ऑब्वियसली अपना जो गर्म कपड़े हैं वो भी उतार दूँ। इस तरह से नॉर्मल डे की तरह लग रहा है। पर अभी कुछ देर बाद जब बारिश होगी ना तब फिर से कंबल आ जाएगा, फिर से कोई ना कोई बेडशीट आ जाएगा, हुडी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। और शाम के टाइम में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। चीयर्स। एक मिनट, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। चाय पीते हुए भगवान शाहरुख खान के बारे में बात कर रहे, मतलब ये इंसान क्या है, चीयर्स भूल गया ना। शाहरुख खान के लिए पागल है, नॉर्मली लड़कियां पागल होती है, और ये मीठू मतलब बिल्कुल पागल है शाहरुख खान के लिए। जब भी उनकी बातचीत होती है ना, मेरे से झगड़ा निकल रहा है ना, डंकी अभी मेरे साथ झगड़े पे निकल उतर आता है अगर मैं बोलती हूँ नहीं शाहरुख खान का ये मूवी में शाहरुख खान अच्छा नहीं दिख रहा है। मेरे सामने तुम एक पराया मर्द के तारीफ करते हो, अरिजीत सिंह उनके सुर का तारीफ करती हूँ मैं नहीं बोला वो अच्छा सिंगर नहीं है, लेकिन शाहरुख खान है। उससे बड़ा तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्यों दुनिया का फिल्म इंडस्ट्री में कोई आ पाया कि नहीं पता। शाहरुख खान और ऐश्वर्या के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता मिथुन के सामने। मिथुन उनको मतलब मार नहीं। अभी आज के डेट में उतना ऐश्वर्या का फैन है, ऑब्वियसली मैं ऐश्वर्या का फैन हूँ। औरतें कुछ दिन के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद नहीं लगता। शाहरुख खान बचपन से आज तक, बाजीगर से चालू करके आज के डेट तक शाहरुख खान है। आज सुबह शाहरुख खान यहाँ पे चला है, माता आती है तो बिल्कुल इसे शाहरुख खान आई है मिथुन के माथे पे। ये है आज का लंच का प्रिपरेशन और काफी बड़ा है पॉम्फ्रेट फिश। एक्चुअली इसका मैं करी नहीं बनाना चाहती इसलिए इसे कट नहीं किया, होल मैं रोस्ट करूंगी। तो इसे रोस्ट करने के लिए जो मसाले की जरूरत है वो मसाला सबसे पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इस बोल में मैंने लिया है रोस्टेड बेसन और इसमें मुझे ऐड करना है कर्ड, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, टर्मरिक पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर कलर, सॉल्ट, गरम मसाला पाउडर एंड स्मोकी हॉट मस्टर्ड ऑयल। अब इसे एक साथ अच्छे से मिक्स करना है। अब ये फिश पीसेस को बीच में से ऐसे स्लिट करना है। और अब ये मसाला से फिश को अच्छे से कवर करना है और ये स्लिट के अंदर भी हमें धीरे धीरे मसाला डालना है और 1 घंटे तक इसे ऐसे ही छोड़ना है ताकि पूरा मसाला फिश के अंदर भी चला जाए। और फ्रिज में जब ये 1-1.5 घंटा रहेगा तो फिश अच्छे से मसाले का जो फ्लेवर है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मैरिनेशन डन और अभी मैं लीड ऑफ करके इसे फ्रिज में डाल दूंगी। 1-1.5 घंटे बाद जब मतलब हम लोग खाना खाएंगे तो उससे पहले इसे मैं फ्राई कर लूँगी, इसे मैं ग्रिल कर लूँगी ओवन में, क्योंकि इसमें ना नहीं आएगा एयर फ्रायर का ये जो वो है। हाँ आ जाएगा, 1-1 फिश आ जाएगा, दोनों में 2 आ जाएगा, पर प्रॉब्लम है कि 3 फिश के लिए मैं इसे 2 बार यूज क्यों करूँ। इससे अच्छा कि वो मैं यूज कर लूँ एक बार में। मेरा बेटा घर आ गया है, उसका आज हिंदी एग्जाम था, तो ये हिंदी एग्जाम का रिजल्ट जब निकलेगा तो निकलेगा, पर मेरे लिए एक गिफ्ट लाया है आज का टिफिन बॉक्स। आज मैंने जो टिफिन दिया था, आज सोचा आज सैंडविच बनाया था, तो सैंडविच का साइज के हिसाब से मुझे लगा वो टिफिन बॉक्स छोटा पड़ जाएगा, तो इसका जो लेंथ है, इसका जो साइज है, इस हिसाब से ठीक होगा। और ये है हमारा हाथे पाए लोखी बेटा, हाथे पाए लोखी, जो भी पकड़ता है वही तोड़ता है। ये मेरा हालत होगा रिजल्ट के दिन। सही कहा, जिंदगी में पहली बार एक सही बात बोला। तो और क्या कर सकते, ये मेरा ओवन प्रूफ बोल था। उली 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 दादा अरे इनके लिए खाना है, देखो कौन आ गया। टपक से अगर एक इसके मुंह में पड़े ना तो एक का तो सत्यानाश हो जाएगा। पर तुम्हें एक योक नहीं खाना है, पर प्लीज आज इस डिश को मत तोड़ना, अच्छे से पकड़ प्लीज, अच्छे से पकड़। ये फिश एक्चुअली मैंने मैरिनेट किया था लंच के लिए, फिर मिथुन बोला है कि लंच में मत बनाओ, लंच में बस बॉइल्ड एग, बॉइल्ड दाल एंड राइस। और ये जो फिश है ये रात में ज्यादा अच्छा लगेगा, तो डिनर में हम रोटी राइस तो कुछ नहीं लेंगे, तो हम फिश को थोड़ा अच्छे से ग्रिल करेंगे, देन सैलड इसके साथ हम इसे एंजॉय करेंगे। ये मिथुन का कहना है। इसके साथ क्या काशुंदी खाना है तुम्हें, अच्छा लगेगा फिर से फिश के साथ काशुंदी, मस्टर्ड सॉस, बेंगोली स्टाइल मस्टर्ड सॉस। अरे आर्यन बोल रहा है कि आज आर्यन बनाएगा ग्रिल फिश, वही अच्छा। बैग अच्छे से क्लीन कर दिया, इसमें एक भी कच का टुकड़ा नहीं है, ठीक है। ले जा और एक काम करना है, पूरा सारा जो बुक्स है ना वो सारा निकालना है। हाँ, और बैग को बैल्कनी में रख, मैं जाके एक बार चेक करूंगी, उसके बाद सारे बुक्स फिर से बैग में डालना। ओके। मिष्टी मिष्टी चाय के साथ बिस्किट कौन खाएगा, वो भी मिष्टी मिष्टी, रेज योर हैंड। मीठी मीठी चाय, वो वाला ना शब्द निकालना बहुत मुश्किल है। चाय चाय मिठुन, बचपन में स्लीपर में गए थे ना? हाँ बोलो बोलो बोलो। एक्चुअली इसमें हम लोग कॉफी पिए थे बीच में एक बार, तो वही वाला मैं अभी यूज करूंगी। मिथुन का सबसे अच्छी बात क्या है पता है? उनके पास सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। जो भी आप बोलो, जो भी गाना सुनना चाहो, आपको मोबाइल मतलब यूट्यूब ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिथुन सुना देंगे। और अरिजीत सिंह को तो बहुत ज्यादा जिलस करते हैं, अरिजीत सिंह को बहुत ज्यादा जिलस करते हैं। क्यों मैं अरिजीत सिंह सुनती हूँ, क्यों मैं उनका गाना नहीं सुनती? पता है आज हम कहाँ पे बैठ के कॉफी पी रहे थे? यहाँ पे बैठ के दो चेयर लगाया था यहाँ पे, और एक छोटा सा जो स्टूल है ना वहाँ पे ट्रे रखी, वहाँ पे कॉफी रख के फिर हम पी रहे थे। और क्या टाइम था वो! एक तरफ माइलो सुसु कर रहा था और दूसरी तरफ ऑस्कर। ये जो दो पेड़ है मतलब प्लांट है, एक में माइलो और दूसरे में ऑस्कर, और हम दोनों बीच में बैठ के कॉफी पी रहे थे। फिर मिथुन ने बोला जब भी नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे बैठ के कॉफी या चाय कुछ भी पियेंगे ना, तो ये दरवाजा से बंद करके पियेंगे। चाय पीने के लिए मैंने बुलाया था डैडा को, और ये कौन आ गया? कौन आ गया यहाँ पे? मैंने क्या ऑस्कर को बुलाया चाय पीने के लिए? मैं क्या चाय ऑस्कर के लिए चाय लेके आई हूँ? ऑस्कर आजकल चाय पिएगा क्या? बड़ा हो गया है बेटा, बड़ा हो गया है मम्मा। आ जाओ मिथुन, वरना मुझे और ऑस्कर को ही चाय पीना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। किसी ने मुझे कॉमेंट करके बोला कि जनवरी में आप शिमला चले जाओ। बिल्कुल सही कहा, जनवरी में हमें शिमला जाना चाहिए, पर दिसंबर का जो टिकट है, जो हम जा रहे हैं वो 3 महीने पहले हो चुका था उसका टिकट। सितंबर में लिया था ना मिथुन टिकट, होटल टिकट सितंबर में लिया था ना? क्या दिसंबर का ट्रिप के लिए? बहुत पहले ले लिया था, वरना कुछ और भी। वैसे सबसे बेस्ट जगह है, मेरा तो सबसे पसंदीदा जगह है। तुमने रिवील कर दिया फिर जा रही हो, ये भी रिवील नहीं किया था हम लोगों ने। नहीं, कल के एक्चुअली ब्लॉग में मैंने बोला था। ज्यादा टाइम तक पेट में पचता नहीं है। ठंड लग जी तो। और जब भी हम यहाँ पे आते हैं ना, तो सबसे पहले आके लेट जाता है ये, सबसे पहले आके लेट जाएगा। इतना थकावट, पूरे दिन काम काज करते रहता है ना, घर का पूरा काम तो यही करता है, यही करते काम काज तो यही ज्यादा करता है पूरा दिन, पूरा दिन। हाँ एकदम। पर इवनिंग के चाय के लिए ना ये हमारा सबसे फेवरेट जगह है। मालू को मत बोलना उसका पेट में प्रॉब्लम है, मालू को मत बोलना कि मामा ने मुझे बिस्किट दिया। वो देखो ये छोटा सा पीस मामा की तरफ से, वो भी लास्ट। आपके लिए लास्ट छोटा सा पीस है इसलिए नहीं ले रहा है। देखो क्या हो रहा है ये? ऑस्कर क्या हो रहा है? अरे बिस्किट नहीं दे रहे है ना, गुस्सा वाला ऑस्कर। वो देखो कोयल के नीचे वो अपना सर घुसा के। आज पूरे दिन कपड़े धुलना नहीं हुआ। एक्चुअली वॉशिंग मशीन आज पूरे दिन में नहीं चला। एक्चुअली सेकंड फ्लोर में आके ना हमेशा रूटीन वाइज कपड़े धुलना नहीं हो रहा है। नीचे भी मेरा काम है और ऊपर कोई आना नहीं चाहता और मुझे ही आना पड़ता है। कभी कभार मिथुन अगर फ्री रहता है तो वो आ जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर हमेशा मिथुन को बोलना भी अच्छा नहीं लगता। बाहर का सारे काम वो संभालते हैं, देन ऑफिस होता है, तो ये सारी चीजें, तो ये काम करना मुझे ही पड़ता है। और उसके बाद जब लोड शेडिंग हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। पर ड्रायर का ये प्रॉब्लम है कि ड्रायर एक बार अगर चला दूं ना, उसके बाद एक बार अगर लोड शेडिंग हो जाता है तो वो स्टॉप हो जाता है, तो बार बार ऊपर आके। और यहाँ पे लोड शेडिंग इतना ज्यादा होता है कि कितनी बार मैं ऊपर और ड्रायर को यूज करूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो हाउस हेल्प अगर हो जाता है ना, तो इस चीज का टेंशन नहीं रहता। तो सारी चीजों में एक अच्छी बात है कि कल मेरा फुल टाइम जो हाउस हेल्प है वो आ रही है। सारी ये जो सारे काम है वो कर पाएगी, मुझे बार बार ऊपर नीचे करना नहीं पड़ेगा। इससे क्या हो रहा है कि मैं नीचे राइस चढ़ा के आई हूँ, क्योंकि मेरे बाहर के बच्चों के लिए भी खाना बनाना है। राइस कभी कभार जल जाता है, कभी कभार मतलब बहुत खराब हाल हो जाता है नीचे से ऊपर बार बार चढ़ने में। अरे ये अपने बाथरूम के सामने पहले जो जिसके बारे में मैंने आपको बात की थी कि 30,000 ले रहे हैं और वो भी कुकिंग नहीं करेगी, देन झाड़ू पोछा कुछ नहीं करेगी, तो वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको कुकिंग करना ही नहीं है। तो मैं इतना सारा स्पेंड नहीं कर सकती, कुकिंग के लिए अलग, झाड़ू पोछा के लिए अलग, और उनके लिए सिर्फ इतना ज्यादा। तो कोलकाता का जो एजेंसी के साथ मैंने बात की थी ना, तो वही दे रहा है किसी को, और फॉर्चुनेटली वो बेंगलोर में कहीं पे नैनी का काम कर रही है। तो वहाँ पे भी पहले वाला उनका जो हाउस हेल्प है, मतलब नैनी है, वो अभी लौट रहे हैं अपने नेटिव से, तो इनको छुड़ा रहे हैं। तो अभी ये बेंगलोर में काम ढूंढ रहे थे और एजेंसी से कहा गया कि आप फिर एड्रेस भेज रही हूँ, तो पुलिस वेरिफिकेशन, देन बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं सेंटर का, तो वो सारे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो कल मिथुन जा रहे हैं, उनका एड्रेस दे दिया गया है और उनको भी मिथुन का सारे आइडेंटिटी प्रूफ कि ये आगे आए तो आपका जो नैनी है उनको भेज देना। तो इस तरह से तो कल मतलब नेक्स्ट ब्लॉग से शायद आप उन्हें देखेंगे, एंड आई होप कि वो अच्छे से काम करें, क्योंकि इतना खुश होने की भी वैसे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि इतना खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 7 दिन का टाइम है, 7 डेज में उनको भी अच्छा लगना पड़ेगा हमारा घर, ताकि ऑस्कर माइलो की वजह से भाग ना जाए और मुझे भी अच्छा लगना होगा उनका काम। तो सारी चीजें अगर सेट हो जाता है तो वो एटलीस्ट 6 महीने के लिए तो रहेगा। यही प्रॉब्लम है कि 6 महीने में एक एक मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कोलकाता से जबकि आते हैं ना, तो 6 महीने फैमिली से दूर रहते हैं, 6 महीने के बाद फिर से 2-3 महीने के लिए चले जाते हैं, तब दूसरा किसी को देंगे। अब पता नहीं उनके साथ कैसे एडजस्ट होगा। हर 6 महीने में ऑस्कर माइलो को इंट्रोड्यूस करवाना उनके साथ, ये एक बहुत बड़ी टास्क है। ऊपर से मेरे घर का सारा काम फिर से उनको समझना पड़ेगा, और 1-2 महीने बाद अगर वो आ जाते हैं, तब अगर आ जाते हैं तो अगर मैं चाहूँ तो उनको फिर से रख सकती हूँ। तो ऐसा सिस्टम है, पर मैं बहुत खुश हूँ कि अभी जब मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगी, एटलीस्ट खाना भी वो बना पाएगी। वैसे मैं कुकिंग का बहुत शौकीन हूँ, तो मुझे थोड़ा सा सारी चीज़ें अगर अरेंज करके दे देंगे तो मैं कुकिंग कर पाऊँगी। ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट मेरा है भी नहीं, और इतने सारे खाना हम बनाते भी नहीं है। एक चिकन करी, फिश करी, या तो दाल और आलू पोस्त, तो इससे हमारा चल जाता है। पर मैं जब कुछ फैंसी कुछ खाना बनाती हूँ तो सारी चीज़ें थोड़ा सा अरेंज करके दे दे और मैं खुद ही बना लूँगी। तो इस तरह से मुझे चाहिए था। बहुत हेवी काम तो कुछ है नहीं यहाँ पे, बस ऑस्कर वालों के लिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ये दोनों इतना झगड़ा करता है ना, इस झगड़े के कारण आर्यन तो हमेशा बोलता है, जब भी ये दोनों झगड़ा करता है, मम्मा डोमेस्टिक वायलेंस, आर्यन बस एक ही बात, डोमेस्टिक वायलेंस। Cause I need to be alone, away from our chemistry. I just hope you'll end up. एकदम से ऑस्कर के लिए बन रहा है कि सॉरी आर्यन के लिए बन रहा है केक, फ्रूट केक। यहाँ पे टूटी फ्रूटी भी मैंने रेडी करके रखी है, और यहाँ पे एग और सारे लिक्विड चीजें मिक्स हो चुका है, और यहाँ पे अभी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालना है। तो केक तो हमारा रेडी है, पर ये ना सारे टूटी फ्रूटी थोड़ा था, मतलब एक्स्ट्रा था, तो मैंने सोचा क्या करे, तो इसके ऊपर से वैसे स्प्रेड कर दिया, तो ये अंदर नहीं गया। ये देखो अभी ड्राई, ये अच्छा नहीं लग रहा है दिखने में। ऐसा लग रहा है कि जो स्टोन, कलरफुल जो स्टोन्स है ना, वो मैंने यहाँ पे सारा स्प्रेड कर दिया केक के ऊपर। इतना अच्छा केक बना, पर मेरे कुछ गलती की वजह से कि ये थोड़े से जो टूटी फ्रूटी है ये खराब हो जाएगा, ये ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। और ये डालने गई थी, देखो ऊपर कैसा गंदा दिख रहा है। वैसे खाने की चीज में गंदा नहीं बोला जाता, बट स्टिल कोई डिजाइन कुछ भी नहीं हुआ, बस चीजें वेस्ट नहीं करना है तो इसलिए डाल दिया। तो हम जा रहे हैं अभी 11:30 बजे एयरपोर्ट, मेघना को लाने। मेघना यानी कि मेरी ननद, तो वो एक्चुअली कोलकाता गई थी, तो कोलकाता से भी आज वापस आ रही है, और उसका फ्लाइट डिले था। तो इतनी रात को वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी रहती है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी में उसका हॉस्टल है, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बिल्कुल सामने नहीं, एकदम तमिलनाडु बॉर्डर के उस तरफ। तो इतनी रात को वो वहाँ पे जाएगी, तो इसलिए हम जा रहे हैं उसे लेने, यहाँ पे रह जाएगी आज रात को। और हमने कहा है कि 2-4 दिन और तू एडजस्ट कर ले अपने ऑफिस में, थोड़ा वर्क फ्रॉम होम ले ले, तो यहाँ पे हमारे साथ 2-4 दिन और रह पाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं उसे लेने, अगर वो रह जाती है तो 2-4 दिन बहुत अच्छा बीतेगा। कार लेने के बाद आज फर्स्ट टाइम रोड जबकि खाली था, स्पोर्ट्स मोड में मैंने ट्राई किया। इवन गाइस बॉडी इतना लाइट हो गया कि मुझे लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रही हूँ। सीरियसली सेकंड टाइम ट्राई किया मैंने, पर तब मैं नहीं थी कार में, तुम और आर्यन थे। माय गॉड, पर मजा बहुत ज्यादा आया। So please don't tell me that I broke us, 'cause I could never live। तो अभी हम यहाँ पे चाय पॉइंट पे है, यहाँ पे 1-1 कप जिंजर टी पिएंगे। इसका गला भी थोड़ा सा खराब है। अरे কিছু একটা খেতে খেয়ে নেতি, অনেকক্ষণ আগে খেয়েছি। স্ন্যাক্স কিছু খেয়ে নেছি, রোল আছে একটা রোল আছে, এটা খেয়ে নে। तो अभी हम रवाना हो रहे हैं, पर ऑस्कर के साथ फर्स्ट मीटिंग, इस बात की टेंशन है और कुछ नहीं। वो फर्स्ट मीटिंग हो जाए उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई टेंशन नहीं रहेगा। मामी ने भेज दिया ये सारे मिठाई, कोलकाता का मिठाई, ये तालेर शाक बोलते हैं। तालेर शाक और माखा संदेश, तालेर शाक ये এটা বুঝিয়া, এটা বুঝিয়া नहीं আসছে বাবা रे, বুঝিয়া। ओ माय गॉड, বুঝিয়া। वैसे बंगाली के अलावा सारे पूरे भारत के लोग गुजिया किसी और चीज को बोलते हैं, पर हम लोग इसे गुजिया बोलते हैं। छोटो वाला श्राद्ध छोटो वाला है ये, हम लोग पूजा में देते हैं। हाँ, पूजा में इतने सारे लोग आते थे ना, एक मिठाई का साइज अगर इतना बड़ा हो कितने लोगों को दे पाएंगे, और ऐसे तोड़ के देना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे गुजिया नॉर्मली हमारे बचपन में दानादार गुजिया एगुली बहुत छोटे वाला है। कोलकाता से पिज्जा लेके आ गई मामी, मैंने बना के दिया। और अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, वो आएगी जब मुझे पता चला। तो मैं पिज्जा बनाने के लिए ऑलरेडी डो बना के यहाँ पे रखी है, ये देख पिज्जा डो। तू आएगी इसलिए मैं बनाऊंगी, इसलिए पिज्जा डो बना के रखी, और तू खुद पिज्जा लेके आ गई। तो ऑस्कर सबको बोल दो गुड नाइट, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट। तो मेघना गेस्ट बेडरूम में और ऑस्कर हमारे यहाँ पे दरवाजा बंद करके, क्योंकि रात को अगर वो वॉशरूम के लिए जाए और दरवाजा खोलते अगर देखा कि वो ऑस्कर वहाँ पे खड़ा है तो शायद उसे डर लग सकता है, क्योंकि पहली बार ऑस्कर को देख रहा है ना। तो ऑस्कर का कुछ नहीं हुआ, पर वो बहुत डर गई, बहुत ज्यादा डर गई, इतना ह्यूज है ना। और वो ऐसे भी डॉग से बहुत ज्यादा डरती है, माइलो से डर रही है, मतलब माइलो से भी डर रही है। तो यही है, चलो गुड नाइट, गुड नाइट से, गुड नाइट ऑस्कर, बिटुन से गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तो अभी के लिए इस हाथ में मैं पकड़ लूं। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।